थ्योरी भी करवाया था ओमिशन में। तो ओमिशन का मतलब क्या था हमारा, भूलना। और एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके का था, एक था कंप्लीट ओमिशन, एक पार्शली, ठीक है, या पार्टली कह सकते हो। कंप्लीट ओमिशन में क्या था, पूरा का पूरा भूल जाते थे, पार्टली ओमिशन में कुछ पार्ट भूल जाते थे। यहाँ पे कंप्लीट ओमिशन की हम बात करेंगे। ओमिशन में मैंने एक एंट्री लिखा कि गुड सोल्ड टू राम ₹10,000, बट नॉट रिकॉर्ड एनीवेयर, हमने कहीं लिखा ही नहीं। जब कहीं नहीं लिखा तो ओमिशन है ये, और कौन सा है, कहीं भी नहीं लिखा, फुल्ली ओमिशन है ये। तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, इस तरीके की जर्नल एंट्री के लिए हमारा करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफिकेशन एंट्री माना जाता है, क्योंकि हमने इस एंट्री को कहीं लिखा ही नहीं गलत। जब हम गलत लिख देते हैं तब हम उसको रिवर्स करके सही करते हैं, यहां तो कोई एंट्री नहीं हुआ, तो करेक्ट एंट्री ही क्या माना जाएगा आपका, रेक्टिफाई एंट्री। तो इसका अगर मैं आंसर लिखूं तो आंसर क्या होगा, राम डेबिट टू सेल्स, यही एक एंट्री है बस इसमें, और यही रेक्टिफाई एंट्री है हमारा, यही रेक्टिफाई एंट्री होगा। एक और एग्जांपल देखो, एंट्री नंबर 12 करके दिखाता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा गुड्स परचेज ₹10,000, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हमने ₹10,000 का सामान खरीदा लेकिन इसको लिखना भूल गए, ठीक है ना। तो यहां पे हमें रॉन्ग राइट रिवर्स रेक्टिफाई नहीं करना, करेक्ट एंट्री होगा। तो करेक्ट एंट्री परचेज किया है, कैश में किया है क्योंकि नाम तो है नहीं, तो एंट्री होगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट और अमाउंट, तो सर इसका बींग क्या होगा, बींग बिल्कुल सेम ही रहेगा आपका, बींग रहेगा आपका सेम, और बींग के अंदर आपका आएगा गुड्स सोल्ड टू राम, या फिर जैसे गुड्स परचेज ऑन बाय कैश, ठीक है। तो ये हमारा 10 है, 10 के बाद 11, ये दोनों एक बार नोट करो एंट्री, फिर इसके बाद अगले स्टेप पे चलेंगे।